अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड में लेसन नंबर 118। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे मैकेनिकल एक प्रोजेक्ट ड्रॉ करेंगे जो कि 17th प्रोजेक्ट है हमारे पास। और आज के इस लेसन में हम एक मैकेनिकल होल्डर डिज़ाइन करेंगे और डायमेंशंस के ऊपर भी देखेंगे, डायमेंशन हम किस तरह इस पर काम करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम ये वाला होल्डर ड्रॉ करेंगे, मैकेनिकल होल्डर है ये भी, तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह ड्रॉ होता है, किस तरह इस पर काम किया जाता है। तो इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ और उस पर आज काम करने हमने। तो इसकी डायमेंशंस को आप और से देख भी लें और ये मैं आपके इंशाल्लाह लेसन के साथ साथ मैं जो ड्राइंग्स हैं वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ऑटोकैड ओपन होने में, फाइल्स लोडिंग हो रही हैं और यहाँ से अब मैं उसे ओके करता हूँ, गेट स्टार्ट। ओके, अब मैं अपने लेसन की तरफ चलता हूँ। तो सबसे पहले आपने जो मैं इसमें भी देख लें कि डेसिमल में सारा का सारा काम किया हो, तो डेसिमल में काम करता हूँ, तो 64 है और 112 है। एल इंटर करता हूँ यहाँ से, तो ये कौन से व्यू में जी, मैं यहाँ से इसको फ्रंट व्यू में लेके जाता हूँ। फ्रंट व्यू में यू सी एंटर, डिस्प्ले एट ओरिजिन पॉइंट, ओके। और यहाँ से एल इंटर करता हूँ, कितना जी एल इंटर करना है देख लेते हैं, 112 और 64। F8 प्रेस करता हूँ, 112 एंटर और फिर एल इंटर, 64 एंटर, जेड स्पेस ए स्पेस ओ एंटर, 64 एंटर ओ एंटर, 112 एंटर। सही है। अब यहाँ पे जो काम करना है वो क्या करना है जी, सबसे पहले हम इसको यहाँ से मैं 16 हाइट देता हूँ इसको मैं, तो उसके लिए मैं 3D व्यू में लेके जाता हूँ इसको। ओके, गलती किया हमने, फ्रंट में इसको नहीं बनाना था, टॉप व्यू में बनाए इसको। एल इंटर, 112 एंटर, एल एंटर, 64 एंटर ओ एंटर, 112 एंटर एंड ओ एंटर, 64 एंटर। देख लूँ ये डायमेंशन है 112 एंड 64। ओके, अब इसको मैं टॉप व्यू में यहाँ से इस व्यू में लेके आता हूँ और इसको एक्सट्रूड करना है प्रेस पुल कमांड से, या फिर आप एक्सट्रूड करें इसको डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड से इसको प्रेस पुल करना चाह रहा हूँ, कितना 16 इंटर। ओके, अब इस पर काम करना है जी हमने इसके एच पे, तो यहाँ से जो हमारे पास है यहाँ से यहाँ तक 16 का ऑफसेट दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक भी 16 का ऑफसेट दिया हुआ है। तो उसके लिए मैं इसको इसके एच को कॉपी करता हूँ, कॉपी एच पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक जो है तो 16 का है, सॉरी कॉपी एच, सेलेक्ट किया स्पेस स्पेस वे बेस्ड पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट, तो क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक क्लिक नहीं करना, यहाँ से अपने डिस्प्लेसमेंट देना है। तो कितना है जी यहाँ पे, 16 इंच है। ओके, और यहाँ से इसको भी अपते हैं, कितने 16 देखता हूँ,
ओके, दोनों 16 है और यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक का जो है वो 32 है और ये भी 32 है, तो अब 32 32 दोनों साइड से करें। ओ एंटर, बल्कि यहाँ से भी यही होगा, कॉपी एडजस्ट पे क्लिक करें और कितने 32। और इस साइड से भी 32 है, 32। अब जो इसके कॉर्नर हैं इनको रिमूव करता हूँ और मैं बल्कि यहाँ से प्रेस पुल कमांड से इसको मैं उठाता हूँ। कितना जी, यहाँ से 40, यहाँ से और 40 उस साइड से, तो 40 40 में इन दोनों साइड से इसको प्रेस पुल कमांड से ऊपर करता हूँ। ये कॉर्नर है 14 है, ये 40 है, 40 और 40 कहाँ से, बॉटम से है, तो बॉटम से। और यहाँ से जो होगा मेरे पास कितना होगा जी, बॉटम से 40 है, तो हमने यहाँ से ऊपर 16 उठाया था और 40 माइनस 60 करते हैं, कैलकुलेटर में लेता हूँ यहाँ से 40 माइनस 60, ऑफसेट देने आपने 24, और इसको भी यहाँ से उठाएं 24। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया और इन लाइन्स को डिलीट कर देता हूँ मैं, बल्कि डिलीट करने से पहले देखता हूँ और क्या काम करना है। ओके, तो यहाँ तक ये क्लियर हुआ। और अब यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया था वो हमारे पास कितना था, 16 था। ओके, और यहाँ से यहाँ तक जो है वो 20 है ऑफसेट, बल्कि यहाँ से यहाँ तक जो था वो 16 था, बल्कि यहाँ से यहाँ तक 20 और 20 और 24 करते हैं, और यहाँ से यहाँ तक 40 है, इनको डिलीट कर दो मैं यहाँ से। ओके, अब दोबारा यहाँ से मैं लेता हूँ 40 और 20, कॉपी करता हूँ एड्रेस को। ट्वेंटी और यहाँ से जी 40, ट्वेंटी और 40 ये आ गया। ओके, और इस एरिया से जी 24, 20 और यहाँ से यहाँ तक है 24 है और 32, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 24 है, तो उसको ऑफसेट लें, ओ एंटर 24 एंटर। ओके, और यहाँ से आए कितने, 32 है, ओ एंटर 32 एंटर। ओके, अब ये जो एरिया इनको ट्रिम करना है, तो ट्रिम के लिए TR
एंटर, इस कॉर्नर से लेके सेलेक्ट किया स्पेस और इसको 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 ट्रिम कर दिया। ओके बस अब यहाँ से ये जो इसको प्रेस पुल कमांड की मदद से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके तुम्हारा ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। आप शेड में से मैं ये इलास्टिक में लेके जाता हूँ तो देख सकते हैं आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया जी। देख सकते हैं डायमेंशन के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया। तो ये था जी आपका लेसन नंबर 118 और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेसन मिलते हैं। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।